आप सबका स्वागत है केबीसी की एक नए एपिसोड में। आज हम डिस्कस करेंगे केबीसी की एपिसोड 23 में पूछे गए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स। तो चले शुरू करते हैं। आज जो एपिसोड था इससे 50 लाख तक का क्वेश्चन पूछा गया, तो हम चलो देखते हैं कौन सा क्वेश्चंस था वो। ये जो था ये 50 लाख का क्वेश्चन था। इसका जो क्वेश्चन था, विच सिंगर वॉज ओरिजिनली नेम्ड एलिन एंजेलिना योवार्ड, यानी कि किस गायिका का असली नाम एलिन एंजेलिना योवार्ड था। तो ये जो है, ये जो असली नाम था ये था गोहर जान। इनकी ओरिजिनल जिन इनकी जो नाम था जो ये गोहर जान था। गोहर जान के ओरिजिनल नाम एलिन एंजेलिना योवार्ड था। ये जो गोहर जान आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये सिंगर एंड डांसर है फ्रॉम कोलकाता। और ये जो क्या इन्होंने इज द फर्स्ट परफॉर्मर जिन्होंने कि 78 आरपीएम रिकॉर्ड्स में म्यूजिक रिकॉर्ड किया है, और ये रिलीज किया गया है ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के द्वारा। और इन्होंने 600 से मोर गाना इन्होंने रिकॉर्ड किया है इन मोर देन 10 लैंग्वेजेस बिटवीन 1902 टू 1920। एंड इन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेनिंग ली हुई है। और इनकी बहुत फेमस जो है थुमरी, दादरा, काजरी, तराना, इस सब में इनकी हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इनकी जो ज्ञान है। और इनकी जो मदर थे, जो विक्टोरिया थी इनकी मदर की नाम, जो कि जन्म से ही म्यूजिक जो इंडियन थी। और इनकी ये म्यूजिक और ड्रेंस में इनकी माता जी की भी ट्रेनिंग हुई थी। इनके पिताजी को जो इन्होंने पहले मैरिज किया था वो मैरिज टूट गया, उसके बाद इन्होंने आके इंडिया में और एक जन के साथ, एक मुस्लिम मैन के साथ इन्होंने मैरिज की। तब उन्होंने उनकी नाम भी चेंज कर दी, और इनकी जो गोहर जान, इनकी जो ओरिजिनल नाम थी एलिन एंजेलिना योवार्ड, इसको चेंज करके गोहर जान रख दी। तो ये था 50 लाख का सवाल। तो अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू महाभारत हु अमंग द फॉलोइंग वजन इनकार्नेशन ऑफ धर्मदेव। तो महाभारत के अनुसार इनमें से कौन धर्मदेव के अवतार है। तो ये जो है, जो विदुर जो है, ये है धर्मदेव का अवतार। और कृष्ण भी इनको धर्मराज बोलते थे, जिसका मीनिंग है लॉर्ड ऑफ ट्रूथ, जो सत्य की वचन बोलते हैं और धर्म के साथ सभी काम करते हैं। ये जो विकर्ण, प्रिंस विकर्ण का छोड़ के जो और एक जिन्होंने कि जो द्रौपदी की वस्त्र हरण टाइम में उसको प्रोटेस्ट किया था, वो यही थे विदुर। और जो मांडव्य ऋषि, ये जन्म कैसे हुए, जो धर्मराज जो मांडव्य ऋषि थे उनको लॉर्ड जम ने एक पनिशमेंट दे दिया था फॉर टर्चरिंग बार्ड्स एंड बीस इन हिज चाइल्डहुड। बट इन रेस्पॉन्स, उनकी रेस्पॉन्स में जो मांडव्य है धर्म को अभिशाप दे गए और बोले कि आप अगले जन्म में एक मॉर्टल वर्ल्ड में, यानी मनुष्य रूप धारण करके जन्म हो गए। तो ये विदुर के रूप में उसके बाद इन्होंने जन्म ग्रहण की। और ये था 25 लाख का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट आता है ये जो है 12,50,000 का क्वेश्चन, टू हुम डिड बी आर अम्बेडकर डेडिकेट हिज बुक हु वेर द शूद्रस। तो बी आर अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक हु वेर द शूद्रस, यानी शूद्र कौन थे, किसको समर्पित की थी। तो ये जो ये समर्पित की थी ये महात्मा ज्योतिबा फुले, क्योंकि जो बी आर अम्बेडकर इन्होंने भी कैस्ट के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट, ये सब में इन्होंने भी बहुत कुछ किया है। तो ये नहीं मानते थे जो ज्योतिबा फुले भी जो है ये एक सोशल एक्टिविस्ट थे, ये थिंकर थे और ये एंटी सोशल रिफॉर्मर थे और राइटर भी थे। और इन्होंने अनटचेबिलिटी को इराडिकेशन करने के लिए और केस सिस्टम को भी जो इराडिकेशन करने के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। इसके अलावा महिलाओं की एजुकेशन के लिए भी ज्योतिबा फुले ने बहुत काम किया है। उनकी वो और उनकी वाइफ जो है सविता फुले, उन्होंने भी वुमेन्स के लिए बहुत ही जो एजुकेशन के लिए बहुत ही कुछ किया है। और इस बुक में जो ओरिजिन ऑफ द शूद्र वर्ण जो है, शूद्र जो जाति शूद्र वर्ण है, इसके बारे में इस बुक में डिस्कस किया गया है। और जो अंबेडकर जी, ये बुक महात्मा ज्योतिबा फुले को इन्होंने समर्पित किया है। अगर आप बुक्स एंड सीरीज देखना चाहते हैं तो मेरा एक है, उसमें अंबेडकर के सारे बुक्स के लिस्ट है, आप जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ अंबेडकर, गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू ऐसी बहुत सारे के बुक्स एंड ऑथर्स का सीरीज है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दिस पेयर्स ऑफ स्टेट्स शेयर द सेम सरनेम, यानी कि इनमें से किन राज्यों की जोड़ी के वर्तमान मुख्यमंत्रियों को सरनेम यानी उपनाम एक ही है।
तो जो तेलंगाना के जो सीएम है वो है के चंद्रशेखर राव। जो नागालैंड के सीएम है वो है नेफ्यू रियो रियो राव, सेम नहीं होता है। पंजाब की जो है वो है कैप्टन अमरेंद्र सिंह, और जो मणिपुर की जो है वो एन बीरन सिंह। सो सिंह सिंह सेम हुआ, तो आंसर होगा पंजाब और मणिपुर। और देख देखते हैं सीएम कौन है। आप जो यहाँ पिक्चर में ऊपर देख सकते हैं, ये है एन बीरन सिंह, और ये है नागालैंड के सीएम जो कि नेफ्यू रियो है। और जो तेलंगाना के केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव, झारखंड की रघुवर दास, हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर, केरला की पिनराय विजयन, गुजरात की विजय रूपानी, ये सीएम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस बुद्धस ऑफ बामियान डिमोलिस्ड इन 2001 वेर लोकेटेड इन विच कंट्री? ईरान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, थाईलैंड। तो मशहूर बामियान के बुद्ध जिसे 2001 में ध्वस्त कर दिया गया वो किस देश में था? जो मशहूर बामियान का बुद्ध था ये अफगानिस्तान में था, जो कि मार्च 2001 में अफगानिस्तान के जिहादी संगठन तालिबान के नेता मुल्ला मोहम्मद उमर के कहने पर डायनामाइट से इसको उड़ा दिया गया। ये 4th-5th century में बनाया गया एक बुद्ध की मूर्ति थी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो ओरिजिनल मूर्ति बहुत ही सुंदर दिखता है। और इसको जो है ये दो थे, दो एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ये दो मूर्ति बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति स्टैंडिंग पोजिशन वाले। और इसको जो उड़ा दिया गया बाय द अफगानिस्तान जो जिहादी संगठन, और अभी इसका पुनर्निर्माण हो रहा है वो ऐसा दिख रहा है। तो ये था आज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो 3,20,000 का क्वेश्चन ये था। तो अगर आपको वीडियो कैसा लगा, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बर्निंग करेंट अफेयर्स। थैंक यू।